चाचा ने लिया कम से कम 20,000 का जूता और 10,000 का शूज है। चाचा तुम लोग गरीब लोग हो, यहाँ मत आना। तुम्हारे नेपाली थाली, तो ये नेपाली थाली आपको दिल्ली में। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली कश्मीरी गेट। तो आप लोग का जो बस राइड था बहुत अच्छा था। अपना नाम बता दो बेटी। नाम चलो थैंक यू सो मच। उसका नाम टीवीएस सॉलिड है। चलो थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपके सफर करके। सो विल सी यू इन नेक्स्ट। सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, चाचा जी भी हैं। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली होटल हरी पीकॉक। सो इट गोना टेक मोर देन 50 मिनट आई गेस। सो दिस इज द हाईवे, चेक इट आउट। और जब भी दिल्ली में आओ तो गाइस ओला एंड ऊबर से सफ़र करिए, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट राइड। क्योंकि आपको ओला एंड ऊबर में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, ये सबसे सेफ राइड होता है। डोंट ट्रस्ट द ऑटो, ओनली टेक ओला एंड ऊबर। सी यू। तो होटल में जाके फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, फिर इसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड द होटल। मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था। सो दिस इज़ द होटल, होटल हरी पीकॉक। तो हेलो सर, सो नाउ आई विल हैव द यू नो टेक द रेस्ट, देन आई हैव टू गो समवेयर आफ्टर टेकिंग फ्यू आवर द रेस्ट। स्टे ट्यून। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके होटल में। सो ये ब्रदर है जो हमें होटल में छोड़ेगा। सो अभी रूम पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देन आगे की कार्रवाई होगी। सो काफ़ी थक गए हम लोग हल्द्वानी से आगे वॉल हो गए। सो स्टे ट्यून्ड। हियर इज प्लीज माइंड योर हेड एंड दिस इज द रूम वी आर गोइंग नाउ। सो गाइस फाइनली होटल में पहुंच चुके हैं हम लोग, और अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। उसके बाद 9-10 बजे तक रेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। सो द परचेसिंग एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट। सो दिल्ली विल दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू बड़ी, थैंक यू। सो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे फ्रेश होकर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली से नहीं, कल मैं हल्द्वानी से आया था। तो अभी नहा धो के फ्रेश हो चुका है तुम्हारा भाई। तो अब नाश्ता वगैरह करता हूँ। तो नाश्ते में क्या क्या दिखाता हूँ मैं? तो ये है ब्रेड टोस्ट, और ये है रायता, और ये कॉफ़ी। सो ये रूम वगैरह करता हूँ, फिर आउटसाइड जाके फिर मिलता हूँ। हेलो एवरीवन। सो गाइस अभी हम दिल्ली में घूम रहे हैं थोड़ा सा। तो ये है मेट्रो स्टेशन, और ये है चाचा जी हमारे। और अभी ट्रैफिक लगा हुआ है कई दूर तक। तो देखो दिल्ली कहाँ तक एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। अभी तो बाहर निकले हैं, थोड़ा बहुत घूम घाम के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जस्ट चेक इट आउट। किसान इलाके से यहाँ दिल्ली के शोर शराबे और ट्रैफिक में पहुँच चुके हैं हम, देख सकते हो। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी सबकी, बहुत दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हैं।
काम में कोई किसी में तो स्टेडियम तो दिन भर खाना खाने के काम करने के बाद अभी स्ट्रीट फूड यानी कि छोला कुलचा काफ़ी टेस्टी है, ये गफ्फार मार्केट में है। तो गाइस तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, तो इसका ज़रा सा पूछ लेते हैं कैसे बनता है। तो आपका नाम सर? मेरा नाम द्वारका प्रसाद। तो द्वारका प्रसाद सर, ये कैसे बनता है छोले कुलचे जो आप इतने टेस्टी बनाते हैं? अच्छा, ये रात को भिगोना पड़ता है मेरे, सुबह ऐसे थोड़ा सोडा डाल के बॉयल करना पड़ता है। ये मिर्च मसाले डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, खटाई डालते हैं, प्याज काट देते हैं, खीरा काट देते हैं, टमाटर काट देते हैं। तैयार। चलो, ये कब से कब तक खुलता है वैसे? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। सो गाइस, तो आप लोग आ सकते हो गफ्फार मार्केट में, लेन नंबर 13 के जस्ट अपोजिट है। तो आइए और छोले कुंजे का एंजॉय लीजिए। सो हेलो एवरीवन, सो गाइस फाइनली पूरा मार्केट घूमने के बाद अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं, अपने होटल की तरफ। बहुत थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं भैया, तो बड़े बड़े जाके मिलते हैं। तो जो अपना होटल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा है, हर की पौड़ी बहुत तकलीफ से होटल में हम ठहरे हैं, मतलब पूरी होटल हर की पौड़ी। वहाँ पे मतलब उसका खुद का रेस्टोरेंट है, तो वहीं पे हम लोग खाना खा सकते हैं। और यहीं रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो, नीचे का व्यू वगैरह करके फिर मिलते हैं। जो हमारा फूड है वो आ चुका है, डिनर वगैरह लंच एंजॉय करते हैं, डिनर वगैरह फिर मिलता है। तो जिसमें ये बटन दबा के आप आराम से ऊपर बिना सीढ़ी का इस्तेमाल करें जा सकते हो। सो हमारा भाई चिल मारते हुए डेली में ये सुन लिफ्ट दी तो मैं आ चुका हूँ। मैं तो एक कार्ड ऐसे के लगाओ और ऐसे करके अपना रूम खोल, रूम में आके आप चिल मार के रिलैक्स हो जाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इट्स सेकंड डे, दिल्ली में अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं दूसरी साइड को, तो वहाँ जाके मिलते हैं। तो सुबह नाश्ता वास्ता वगैरह होटल में कर लिया हमने हरे पिकॉक में, तो अभी काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हमारे चाचा जी एकदम हीरो लग रहे हैं, देख सकते हो इस साइड में। लोकल में ट्रैवल करने का बेस्ट वे ओनली टुकटुक है, टुकटुक में ही आप घूमना दिल्ली में, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिकल होती है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से चले जाते हैं आप।
ट्रैफिक सिग्नल में रुकना पड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल रुकने के बाद फिर आगे की तरफ। दिल्ली में हम एक जगह पे बिरयानी खा रहे हैं जहाँ पे हमारे चाचा जी और मैं, बहुत साउथ इंडियन बिरयानी है ना, तो कैसा टेस्ट है, कैसा है अंकल? बढ़िया है ना, तो देख सकते हो चेन्नई में क्या है, दिल्ली में क्या। सो दिस इज द प्लेस, दिल्ली में बिरयानी का एंजॉय ले रहे हैं, साउथ इंडियन बिरयानी। सो एंजॉय करने के बाद मिलता हूँ। केले के पत्ते में सर्व हो रही है, बढ़िया कढ़ाई में केले के पत्ते में चाचा जी इंजॉय ले रहे हैं, तो अब मैं भी इंजॉय लेता हूँ। गाइस फाइनली होटल में जाता हूँ, आपके भाई ने थोड़ा फॉरेन लुक बना रखा है, तो अब होटल में जाता हूँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। अब लगभग लगभग सारा घूम गया है दिल्ली, तो कल शाम को निकलूँगा मैं दिल्ली से। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अब मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अभी मैं और ये चाचा जी हम लोग जा रहे हैं सीपी की तरफ, तो सीपी में चाचा जी को लेना है जूता, तो देखते हैं वहाँ पे कहाँ मिलता है हमें जूता चाचा के लिए। देख सकते हो ये है दिल्ली का पहाड़गंज एरिया और एकदम बहुत भीड़ है चारों तरफ, भीड़ भीड़। गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द व्लॉग। ये है दिल्ली की ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में बड़ा संभल के जब तक रेड लाइट ना हो, ग्रीन लाइट ना हो, तब तक वॉक ना करें। अब जाएंगे हम चौड़ में क्योंकि ये ट्रैफिक सिग्नल लग चुका है रेड, तो आराम से वॉक करके जा सकते हो। सो दिस इज द वे इन इंडिया हाउ टू वॉक, तो आप लोग ऐसे करके चल सकते हो बड़े शहरों में। ट्रैफिक में एकदम देख के चलना चाहिए, रेड लाइट जब ग्रीन होगी तब। यहाँ के नाइट क्लब्स हैं, तो यहाँ पे आके आप चिल मार सकते हो रात को, बट हम नहीं मार रहे चिल, हम कहीं और जा रहे हैं फिलहाल। तो ये सीपी एरिया है, काफ़ी रहीज और शिक्षा पॉश एरिया है ये दिल्ली का। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दीपक के शोरूम में। हाँ तो शूज लेना है नहीं, चलो। सो गाइस ये है यहाँ का शोरूम PBR, मीन्स यू कैन हैव लॉट ऑफ फन हियर इन इंडिया, सो लेट्स हैव फन। वी आर हियर फॉर शॉपिंग, शूज वगैरह ले लेते हैं। जो चाचा जी हैं वो शूज़ वगैरह ले रहे हैं अभी, तो चेकआउट कर रहे हैं। लेट्स सी। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स शूज इन सीपी, सो यू कैन चेक आउट हेयर ऑल्सो। सो हमारे चाचा जी सही है, शूज ट्राई कर लो। So guys, you can see just, you know, there are a lot of shoes, sport shoes. So अपने चाचा जी try कर रहे हैं, तो सारे this is brand shoes. So if you want to any kind of shoes, so you can check it out here.
दिस इज सिप्पी में है भैया, आ जाओ। सो गाइस यू कैन चेक आउट द शूज। सो गाइस देख सकते हो जैसे कि हमारे चाचा ने शॉपिंग किया, यानी कि 20,000 का शूज विद ब्रांड 20,000। सो नाउ वी आर गोइंग टू द बाटा शोरूम फॉर ब्रिंगिंग अ लेदर शू फॉर माय फादर। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये ले लिया है चाचा ने 20,000 का शूज, अब आगे की ओर। तो गाइस ये सिप्पी है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे हमने शूज लिया चाचा के लिए, तो नाउ हम लोग चल रहे हैं लेदर शूज लेने। तो लेदर शूज लेते हैं। तो हमारे चाचा जी ने भी लिया लिवाइस का, यानी कि 10,000 के जू पेंट। सो वी आर इन लिवाइस राइट नाउ। सो लिवाइस में शॉपिंग कर रहे हो अभी। सो देखते हैं चाचा और क्या क्या लेते हैं। सिप्पी एरिया, सो वी हैव ऑलरेडी बॉट द शू। और चाचा ने अभी 8,000 की जीन्स भी खरीदी है। तो वहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं आ सकते, सिर्फ अगर तुम्हारे पास जेब में कौड़ी है, मतलब कि हज़ारों की तादाद में तब आ सकते हो, तो अदरवाइज तुम्हारे लिए नहीं है ये जगह। मत आओ गरीब लोगों। भाई साहब यहाँ एक ही जूता कम से कम 15,000 से 20,000 का लिया है चाचा ने, और टी शर्ट और जीन्स। ब्रांड में चीज़ मिलेगी, चाहे शूज़ चाहे पैंट चाहे कपड़े, सब ब्रांड में मिलता है। तो यहीं से मैं भी उठाता हूँ सिप्पी से। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। चाचा ने लिया कम से कम 20,000 का जूता और 10,000 का शूज। है चाचा, तुम लोग गरीब लोग हो, यहाँ मत आना। तुम्हारे जेब में सिर्फ हज़ारों रहते सालों। सो यहाँ सिर्फ जिनके भी जिम में मतलब कि गड्डियाँ बड़ी रहती वही शॉपिंग करते, तो बाकी तुम्हारा काम नहीं है। जो 1,000 रुपये के पेंट में भी डिस्काउंट चाहते हैं। सो गाइस जोक्स अपार्ट, बट दिस इज सिप्पी एरिया, तो यहाँ पे ओनली ब्रांड्स, नो चीप थिंग्स। सो डू कम एंड डू शॉप। सो गाइस दिस इज नाइट क्लब, तो यहाँ पे आगे यू can enjoy the music and the drink, everything. Finally सारी shopping हो चुकी है, and अभी ऑटो वाले भैया के साथ में हम जा रहे हैं पहाड़गंज को। सो stay tuned। सो देख सकते हो यहाँ पे रात के इन अंधेरों में ट्रैफिक एंड द सिटी। बहुत अच्छा रात, और बाकी शॉपिंग कल करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये सिटी एरिया है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांडेड मिलते हैं। चाहे तुम इवन दो एक सॉक्स इनो ले लो, वही कम से कम स्टार्ट होता है 1,000 रुपये से, एक मोजा स्टार्ट होता है। तो मान लो कि पैंट और जूते, तो फिर आपको जेब में कम से कम 50,000 से 60,000 लेके आने पड़ते हैं। तो ये सिटी है भैया। ये है H&M, टेंशन ना लो, 1.5 लाख का फोन है यार, सब कवर कर लेगा। सो देख सकते हो ये H&M, तो यहाँ पे मिलती है H&M की ओनली ब्रांड्स। तो H&M के हाई क्वालिटी के ब्रांड्स यहीं पे मिलते हैं। सो जो मैं परचेस करता हूँ यहीं से करता हूँ, फॉर H&M गारमेंट इन माय शॉप ऑल्सो। हमारे ऑटो वाले भैया ने पंखे की व्यवस्था भी कर रखी है। एसी लगवाऊंगा भाई, एसी पैसे आने तो एसी लगवाऊंगा, पैसे आने तो भैया का एसी लगेगा, जरूर लगेगा, और लगेगा भाई, लगेगा भाई, एसी भी जरूर लगेगा आपके ऑटो पे भैया। बंद हो जा सिम। तो गाइस ये है लिफ्ट, लिफ्ट तो जिसमें हम लिफ्ट होके जाते हैं ऊपर। तो ये चाचा ने कम से कम 20,000 से ऊपर ही शॉपिंग करी है। तो ऑल इन ब्रांड है, बहुत जगह हम अपने होटल में, होटल रूम है। तो यहाँ पे ये सिस्टम रहता है, बोले तो कार्ड सिस्टम। तो जैसे ही मैं खुला मेरा
डालेंगे कार्ड इसमें, तब लाइट खुलती है। कई सारी लिवाइस, एडिडास, पुमा, चाचा ने शॉपिंग किया। तो भोजन करने जाता हूँ, चाचा नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, तो वहीं खाना वाना खा के फिर रेस्ट करते अपने होटल में। नेपाली थाली, तो ये नेपाली थाली आपको दिल्ली में मिल सकता है, और अपना मतलब हमारा होटल भी वेज, इसमें रायता, बस नॉन वेज में मीट, सब्जी, चावल, पकौड़ी और सलाद एंड ऑल। तो अभी चाचा जी इंजॉय कर रहे हैं नेपाली थाली का, अभी थोड़ी देर में और आएगा लाइक रोटीज एंड ऑल।